वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तकरीबन 47 साल का सातवां है, 47 ईयर्स दो भाइयों का। इन 47 सालों में कोई ज़ईफ तो क्या मौजू या झूठी से झूठी रिवायत भी नहीं मिलती कि कभी ज़र्रा बराबर भी इन दो भाइयों में इख्तलाफ हुआ। ये वाकई इस्मत की दलील है, यानी कितनी भाइयों में मोहब्बत हो कहीं ना कहीं तो कुछ होता है जब आपने 40-45 साल किसी के साथ ज़िंदगी गुजारी हो। अच्छा, ये दो वो भाई हैं कि जो हमेशा साथ रहे, माँ की गोद से लेकर चादर तथीर से लेकर, माँ दोनों भाई हैं, मुबाहला से लेकर अमीरुल मोमिनीन के साथ से लेकर कूफा जाने तक से लेकर जंगे जमल और सिफीन और नहरवान से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दोबारा मदीने पलटने तक कभी भी ये दो भाई जुदा नहीं हुए। ये बड़ी लतीफ़ बात है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमेशा साथ रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब चला करते थे इमाम हसन के साथ तो कभी भी उनसे आगे नहीं चले, कदम आगे नहीं बढ़ाया, उनसे कुछ पीछे होके चलते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी हसन के तमाम फजाइल एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ है कि हसन वो हैं कि हुसैन भी जिन्हें अपना इमाम कहते हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी फजाइल हैं तो इमाम हुसैन मामूम हैं, इमाम हसन इमाम है। ये भी तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी भी उस वक्त दरमियान में खिताब नहीं किया या बात नहीं की जब इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं। इतना एहतराम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। बस मैं कह रहा हूँ ना, 47 साल साथ में गुजारे हों और एक मौका ना मिला हो, एक हल्के से कोई जुमला तारीख में ना आया हो कि भाई इनका आपस में कोई इख्तलाफ रहा था, नहीं आया। इमाम हुसैन पर गिरिया किया खास इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। आप चूँकि मसाइब का मौका तो नहीं कि मैं तफसील में जाऊँ, लेकिन मैं आप इशारा कर दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँखें नमनाक थीं, गिरिया फरमा रहे थे इमाम हसन की शहादत पर। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो मशहूर मारूफ जुमला इरशाद फरमाया कि ला यौमा कयौमिक या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन जैसे आपकी शहादत का दिन होगा वैसे किसी की शहादत का दिन नहीं होगा। तो ये वो जुमला है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर इमाम हसन से हम तक पहुँचाए।